फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डब्ल्यूएस सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड होते हैं, उनसे हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे। और बीच में आएंगे तो हम इन्हीं की इंग्लिश से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो अगर उनकी इंग्लिश उनकी वो वर्ड आते हैं तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में वो ही राइट करना है और उन्हें हम कहेंगे डब्ल्यू एच। उसके बाद में आपको राइट करना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। आफ्टर दिस सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट राइट करना है। आफ्टर सब्जेक्ट नॉट इज गिवन, यदि सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो आपको राइट करना है। फिर उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से हमें ये सेंटेंस को फॉर्मेट करना है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं, जैसे तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है, तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है। अब इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर, अब तुम्हारा भाई सिंगुलर है इसलिए हम इसमें यूज करेंगे इज। सब्जेक्ट तुम्हारा तुम्हारा भाई, इट मीन्स योर ब्रदर। वेयर इज योर ब्रदर, जाना। अब इसमें नॉट है नहीं इसमें, और वर्ब इसकी जाना, इट मीन्स गो, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। वेयर इज योर ब्रदर गोइंग, तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है। वह तुम्हारी पुस्तक क्यों ले रहा है, वह तुम्हारी पुस्तक क्यों ले रहा है। तो सबसे पहले हम क्यों, why, वह सिंगुलर है इसलिए is, he, फिर नोट है इसमें वर्ब लेना taking, taking तुम्हारी पुस्तक your book। Why is he taking your book? वह तुम्हारी पुस्तक क्यों ले रहा है। बच्चा वहां क्या कर रहा है, बच्चा वहां क्या कर रहा है, तो क्या, what, फिर helping verb is, child do और इसमें ing doing, वहां there, what is child doing there, बच्चा वहां क्या कर रहा है। अगर मैं बात करूं, तुम पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे हो, तुम पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे हो, क्यों, why, तुम प्लूरल है इसलिए आर, सब्जेक्ट हो गया यू, अब इसमें नहीं आ रहा है, इट मीन्स नॉट, और उड़ाना फ्लाई, और उसमें आएंगी फ्लाइंग काइट। तुम पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे हो, why are you not flying kite। इस टाइप से आपको डब्ल्यूएस सेंटेंस बनाने हैं। और इसी के साथ में हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, नाइस डे। हम इसके साथ साथ में कुछ वर्ब और पढ़ेंगे। वर्ब में हम मेन देखेंगे तीन रूप, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिर थर्ड फॉर्म।
हम बात करें जैसे टेक, टेक मीन्स होता है लेना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म हो गई इसकी टेकन। ये पास्ट टेंस के अंदर हमारे काम में आएगी। हम बात करें गो, गो मीन्स जाना, वेंट और गॉन। ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट, ब्रॉट। बाय, बॉट, बॉट। प्ले, खेलना, प्लेड, प्लेड। सी, देखना, सो, सी। वॉच, इसका मीन्स भी वॉच यानी कि देखना होता है, लेकिन हम जब कोई टीवी देखने के लिए या कोई मूवी देखने के लिए देखने शब्द का यूज करते हैं तो हम वॉच लिखते हैं। सेकेंड फॉर्म हो गई वॉच्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी वॉच्ड होगी। परचेज, खरीदना, बाय मीन्स भी खरीदना होता है और परचेज मीन्स भी खरीदना होता है। परचेज्ड, परचेज। फिर आता है गिव, देना, गिव, गिवन। ग्रो, उगाना, ग्रू, ग्रो। ये हमारे 10 वर्ब हैं, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बनाएंगे तो इन्हीं वर्ब में से हम लेकर के बनाएंगे, तो ये आपको लर्न भी करना है। थैंक यू वेरी मच।